देखिए एमपीपीएससी ने 31 दिसंबर 2021 को मेंस एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन 2019 माना गया है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया था 31 दिसंबर 2021 को। लेकिन उसमें जो ओबीसी रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया गया वो 14% ना देके 27% दिया गया। उसके कारण वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है, जो अभी इंटरव्यू होने हैं, दैट इज़ अंडर चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल हाईकोर्ट। जिस मैटर को मैंने आज आर्ग्यू किया, और मेरा ये कहना था कि कहीं 27% जो इन्होंने दिया है मेंस में, उसको कहीं अलाउ किया गया तो भारत के संविधान के बिल्कुल विरुद्ध होगा। क्योंकि इंदिरा साहनी की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बोला है कि 50% से ज़्यादा ओबीसी रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन एमपीपीएससी के इस कृत्य से हुआ ये है कि टोटल रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में 63% हो गया। तो इसलिए आज कोर्ट ने मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद एमपीपीएससी को एवं सरकार को, दोनों को नोटिस जारी किए हैं, एवं ये बोला है कि सिर्फ 14% के बेसिस पे ही वो कुछ कर सकते हैं। जिसका तात्पर्य ये हुआ कि जो एमपीपीएससी ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें जो नाम दिए गए हैं वो नाम 27% के बेसिस पे दिए गए हैं, वो पूरे के पूरे अब कैंसिल होंगे और नई लिस्ट निकलेगी एमपीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन की, और उसके बेसिस पे इंटरव्यू होएगा और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शंस होंगे। तो इसलिए ये जनरल कैटेगरी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, राहत है कि कोर्ट ने साफ साफ ये बोल दिया है कि आप 27% ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकते, सिर्फ 14% के बेसिस पे एमपीपीएससी को आगे बढ़ना है। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे